किसी भी माला को जपने से पहले, किसी भी मंत्र का स्मरण करने से पहले, चाहे आपके गुरु ने जो मंत्र दिया हो, जो माला दी हो, या आपका इष्ट देव कोई भी हो, आपका इष्ट देव कोई भी हो, आप किसी की भी माला जप रहे हैं, किसी का भी मंत्र जप रहे हैं, किसी का भी स्मरण कर रहे हैं, पर सबसे पहला अगर मंत्र जपने से भी पहले अगर मूलता दी जाती है, मंत्र जपने के पहले भी अगर कहा जाता है, तो यही कहा जाता है कि सबसे पहले अगर आप कोई मंत्र जप रहे हो, मंत्र का स्मरण कर रहे हो, तो पहले पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करिए। कौन से मंत्र का? पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र कौन सा है? नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का अगर स्मरण कर रहे हैं, पंचाक्षर मंत्र को अगर हम जप रहे हैं, तो पंचाक्षर मंत्र का अगर हम स्मरण कर रहे हैं, तो नमः शिवाय। आप किसी भी मंत्र को जपें, किसी भी माला को जपें, किसी का भी स्मरण करें, पर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण होना जरूरी है। पंचाक्षर मंत्र का होना जरूरी। कारण क्या है? माना आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशम अक्षर मंत्र का स्मरण कर, माना आपने गायत्री मंत्र का स्मरण करा, माना आपने त्र्यंबकेश्वर मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा। आप जिस भी मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, चाहे देवी के मंत्र का स्मरण कर रहे हो, चाहे आप राम नाम कृष्ण नाम के मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी भी मंत्र को जपें और किसी भी मंत्र का स्मरण करें, पर उस मंत्र में जपने से पहले, माला बजने से पहले पंचाक्षर मंत्र को अगर हम बोल लेते हैं, नमः शिवाय जप लेते हैं, अगर हमने पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर लिया, तो पूरी माला में अगर कहीं एक त्रुटि भी हो जाती है, तो शंकर उसे संभाल लेते हैं, उसका फल हमको प्रदान कर देते हैं। आवाज़ सेट करिए, आवाज़ सेट नहीं। पंचाक्षर मंत्र का मूल एकाग्रित हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र की मूलता हमारे सारे दोषों को समाप्त कर देती है। अगर आप पंचाक्षर मंत्र का एक स्मरण कर किसी भी मंत्र को जप रहे, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है महाराज जी की, अगर मान लो आप किसी पूजन को कर रहे हैं और पूजन में आपको लगता है कि गलती हो रही है, मान लो अगर आपके पूजन में, आपके विधान में, आपके स्मरण में अगर कोई गलती हो भी रही है, तो मालूम यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि नमः शिवाय बोल लेने पर वो गलती समाप्त हो जाती है। हो गई गलती। एक बार प्रेम से बोले नमः शिवाय। अब हमने तो नमः बोला, आपने शिवाय बोला, तो तीन ही अक्षर तो बोले हो, पांच तो पूरे करो, बस यही तो गलती है ना। अब तीन पे अटक कर रहे करे, आतुरता इतनी रहती है ना कि वो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, केवल उस मंत्र का स्मरण ही कर लेना। अगर आप पूजन में गलती कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं पूजन कर रहा हूं, मैं पाठ कर रहा हूं, मैं स्मरण कर रहा हूं, मैं भजन कर रहा हूं, पर उस भजन में भी अगर कोई त्रुटि हो गई है, तो मात्र पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर लेने पर भी वो सुख का भान एकाग्रित हो जाता, वो सुख का भान मिल जाता।